वास्तव में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, घेर रखा है इंद्रदेव ने, ऐसा लगता है कि अगर ये कहीं 4-5 दिन बारिश हो गई तो शायद मैं समझता हूँ कि बाढ़ की विभीषिका और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी तथा और ज़्यादा लो लाइंग एरियाज आसपास के पानी में, गंगा के पानी में डूब जाएंगे। क्योंकि पिछले 1 घंटे से हल्की हल्की ड्रिजलिंग होती हुई, और इस तरह की ड्रिजलिंग अगर पूरे शहर के एरिया में होती है तो शायद पानी जो है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। अगर मान लिया 12 सेंटीमीटर भी अगर बारिश हो गई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है बाढ़ की जो विभीषिका है। और ये छोटे छोटे खेलते हुए आपस में, और ये नेत्राम चौराहा वास्तव में शरीर में चर्बी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो खाते पीते घर के लोग जो अपने को मानते हैं वो बहुत ज़्यादा नेत्राम मूलचंद एंड सन्स और इस तरह के चाशनी में डूबे हुए आइटम जब खाते हैं तो चर्बी बहुत ख़तरनाक तरीके से बढ़ती है। अभी भी हल्की हल्की बारिश होती हुई, मौसम इस तरह से घिरा हुआ है। 3 का त्रिगुट जय बाबा नीम करोली, बाबा की अतुकी कृपा के कारण कचहरी के हनुमान जी के मंदिर के दर्शन के तुरंत बाद ही ऐसा लगा कि तुरंत जो है मौसम ठीक रहेगा, लेकिन बारिश शुरू हो गई जिसकी वजह से यहाँ पे वेट करना पड़ा।